Good morning to all my students of class 11 science. Now today we will discuss the next topic, which is parabola in the chapter of conic section. Clear? Before the holidays we already discussed about the first topic of this chapter, which was the circle. Clear? Circle ki definition, circle ki equation, and equation of the two types. Whenever center and radius is given, then equation was x minus x1 to the whole power 2 plus y minus y1 to the whole power 2 is equals to r square. तो उस तरह से हमने सर्कल को डिस्कस किया था वहां पे, ठीक है. लेकिन आज हमें डिस्कस करना है पैराबोला. तो सबसे पहले हमें यहां पे समझना पड़ेगा कि भाई पैराबोला क्या होता है, बेसिक कंसेप्ट, एंड व्हाट इज द नीड ऑफ दिस टॉपिक इन योर सिलेबस, एंड हाउ इट वर्क्स इन योर सिलेबस. व्हाट इज द बेसिक फॉर्मूला, बेसिक डेफिनेशन, स्ट्रक्चर, टर्म्स, वो सब हम यहां पे समझेंगे अभी. So now today we will discuss the second topic of the chapter conic section, which is parabola. So parabola की जो definition है थोड़ा वो समझे हम. Parabola is the locus. Locus means path where you can move easily, a point move can easily. So parabola is the locus of a point which moves in such a way that at every time the distance of it from the fixed point means focus as well as from the fixed line is always remain constant. ठीक है, दोबारा से फिर सुने. Parabola is the locus of a point which moves in such a way that the distance of that point to the focus as well as from the fixed line. This is a fixed line and its name is directrix. D-I-R-E-C-T-R-I-X. Directrix. So, जब कोई पॉइंट ऐसे मूव करता है कि उसकी डिस्टेंस फ्रॉम द फोकस मीन्स ए टू एफ, सपोज पॉइंट इज मोर देन वन मीन्स ए वन ए टू ए थ्री, वी कैन टेक ऑन द बाउंड्री ऑफ अ पैराबोला. सो A1 से F तक एंड A1 से P1 तक जो डिस्टेंस है वो बराबर है, एंड वी कैन राइट इन दीज वर्ड्स दैट A1 P1 इज इक्वल्स टू A1 F. इन सिमिलर वे सपोज वी हैव अनदर पॉइंट A2, देन A2 F इज इक्वल्स टू A2 P2. समझ में आया कुछ बात. एक पॉइंट जब ऐसे मूव करता है कि उसकी डिस्टेंस फोकस से जितनी है उतनी ही फिक्स लाइन से होती है, ठीक है, पॉइंट से फोकस तक एंड पॉइंट से लाइन तक जो डिस्टेंस होती है वो इक्वल मेंटेन हो, तो तब जाकर के पैराबोला का बेसिकली स्ट्रक्चर जनरेट होता है. So remember always, parabola is the locus of a point which moves in such a way that the distance of that point to the focus as well as to the fixed line, which is directrix, is always remain constant. Means A1 से F तक और A1 से P1 तक distance equal होनी चाहिए. So we can write it A1F is equals to A1P1. In similar way, if we have another point A2, then A2F is equals to A2P2. Clear? So, इस तरह से एक पैराबोला जनरेट हो जाता है. तो याद रहे आपको कि पैराबोला इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव्स इन सच अ वे दैट द डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट to the fixed point. This fixed point is said to be focus. Remember always focus. Parabola में हम focus use करेंगे. Circle में हम बोलते थे center. Circle में center word use करते थे, parabola में focus use करेंगे. इसके बाद जो next concept आएगा ellipse, वहां पे भी हम focus word use करेंगे. तो ध्यान रहे
कि जब एक पॉइंट ऐसे मूव करता है कि उसकी डिस्टेंस फोकस से एज वेल एज फिक्स लाइन से हमेशा कॉन्स्टेंट रहे, तो उसको हम बोलते हैं दिस मीन्स पैराबोला। ठीक है, तो ध्यान रहेगा आपको, ये हुआ पैराबोला का बेसिक। इसके बाद में चलते हैं आगे, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। चलिए इसके बाद आता है फिर इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ पैराबोला विच इज डिपेंड अपॉन द टाइप्स। बेसिकली पैराबोला कंटेन द फोर टाइप्स। ठीक है, पैराबोला इज ऑफ फोर टाइप्स। पैराबोला चार तरह से होते हैं, उसमें पहला होता है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, दूसरा होता है y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax, थर्ड होता है x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, एंड फोर्थ होता है x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay। इन चार इक्वेशन को याद रखें। बेसिकली दीज फोर इक्वेशन आर रिप्रेजेंटिंग फोर टाइप्स ऑफ पैराबोला। फर्स्ट टाइप इज y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, सेकेंड टाइप इज y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax, थर्ड टाइप इज x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, फोर्थ टाइप इज x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay। अब हम इन चारों टाइप्स को स्ट्रक्चर के साथ डीपली पढ़ेंगे। सो फर्स्ट पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये कैसे बनता है, इसका फोकस किधर होगा, इसकी फिक्स लाइन जिसको बोलते हैं हम डायरेक्ट्रिक्स वो किधर होगी, तो उन सबको डिस्कस करना है। चलिए फर्स्ट पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, इसका जो स्ट्रक्चर बनता है बेसिकली, क्योंकि इस कर्व में अभी कोई भी कांस्टेंट पार्ट नहीं है, ध्यान दें इस बात पे। जब किसी कर्व के इक्वेशन में कोई कांस्टेंट पार्ट नहीं होता है तो उस केस में वो कर्व हमेशा ओरिजिन से पास होता है, ये बात आप याद रखें। सो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये पैराबोला इस ओरिजिन से इस y एक्सिस को टच करते हुए पास हो जाएगा कुछ इस तरह से। इस तरह से ये पैराबोला बनता है। ये पैराबोला की जो दोनों आर्म्स आप देख रहे हैं, ये दोनों आर्म्स ओपन होती हैं और ये आपस में कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। सो दीज आर्म्स आर इंडिपेंडेंटली मूविंग, वन ऑफ देम इन अपवर्ड डायरेक्शन, अनदर इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो पैराबोला का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो ये होता है। अब रही बात फोकस की, फोकस इस पैराबोला का फोकस जो होता है वो एक्स एक्सिस पर होता है और इसको बोलते हैं, जहां पे पैराबोला ने टच किया है इस ओरिजिन को, ठीक है, ये ऐसा हेडवर्क करता है। ठीक है, और आप यहां पे एक वर्ड यूज करते हैं, वो मुझे याद नहीं आ रहा है, बेसिकली उसको बता दूंगा आपको, इसको बोलते हैं, तो मुझे याद आ जाएगा। तो फोकस होता है इसका एक्स एक्सिस पर और फोकस को हम लिखते हैं 1/0।
ठीक है, फोकस को लिखते हैं ए कॉमा जीरो, उसके बाद जितना यहां से फोकस होता है, जितना इस सेंटर से, इस हेड से, जितना इस पॉइंट से सेंटर दूर होता है, उतना ही दूर यदि आप इस पॉइंट से पीछे हटे लाइन होती है, इस लाइन को बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, जैसे ओरिजिन से ए डिस्टेंस पर फोकस है, उतना ही पीछे यानी कि जो डिस्टेंस है इट इज ऑल्सो ए, सो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स विल बी एक्स इक्वल्स टू माइनस ए। कोई आपसे पूछे कि भाई डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होती है, तो आपको बोलना है एक्स इक्वल्स टू माइनस ए इन द केस ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू फोर ए एक्स। इस केस में स्ट्रक्चर ऐसे बनता है, फोकस एक्स एक्सिस पर होता है एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस विल बी ए कॉमा जीरो। ठीक है, अब इसके बाद एक ऐसी लाइन जो फोकस से पास हो जाए और हमेशा इस एक्सिस के, इसको बोलते हैं एक्सिस, एक्स एक्सिस बन गया है इस पैराबोला का मेन एक्सिस, और जो एक्सिस के हमेशा परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, ये लाइन, इसकी लेंथ पूछेंगे आपसे। ठीक है, तो इसकी लेंथ हो जाएगी फिर 4a, 2a ये होती है और 2a ये होती है, तो 4a हो जाएगी इसकी लेंथ। ठीक है, इसको बोलते हैं लेटस रेक्टम। तो ये बात आप ध्यान रखें, लेटस रेक्टम की जो लेंथ होती है वो 4a होती है, 2a ये होती है, 2a ये होती है। एक्सिस होता है एक्स एक्सिस, फोकस होता है ए कोमा जीरो। दूसरा, ध्यान रहे पैराबोला के इस वर्टेक्स से जितना दूर फोकस होता है उतना ही उसके पीछे चलिए आप, मींस पीछे की साइड में उतना ही दूर होती है फिक्स लाइन, एंड द इक्वेशन ऑफ दिस डायरेक्ट्रिक्स विल बी एक्स इक्वल्स टू माइनस ए इन द केस ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल्स टू फोर एक्स। ठीक है, इतना ही इसमें था। अब इसके बाद में आप जल्दी से ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर मुझे डिस्कस करना है सेकंड टाइप, थर्ड टाइप एंड फोर्थ टाइप। चलिए, इसके बाद चलते हैं सेकेंड टाइप, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस फोर एक्स। इस पैराबोला में क्या होगा, जब ध्यान सुने, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस फोर एक्स में पैराबोला राइट साइड में ना बन करके लेफ्ट में बनता है, मींस अपोजिट साइड ऑफ एक्स एक्सिस वहां बनता है कुछ इस तरह से। इस तरह से बनता है पैराबोला, तो फोकस हो जाएगा इसका इधर, मींस अपोजिट साइड ऑफ एक्स एक्सिस एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस विल बी माइनस ए कॉमा जीरो। अब इस वर्टेक्स से जितना दूर फोकस है उतना ही पीछे चली गया उधर पॉजिटिव वे में एक्स एक्सिस की, तो वहां मिल जाएगी आपको फिक्स लाइन, जिसको बोलते हैं हम डायरेक्ट्रिक्स। तो यहां पर हो जाएगी आपकी डायरेक्ट्रिक्स एंड द इक्वेशन ऑफ इट विल बी एक्स इक्वल्स टू ए। क्लियर, और फिर एक्सिस के परपेंडिकुलर फोकस से पास हो जाएगा लेटस रेक्टम। ठीक है, तो इसको बोलते हैं लेटस रेक्टम, द
This is lattice vector. Clear? तो ये बात आप याद रखें. So second type हो चुका है. इसके बाद हम चलेंगे third type. जल्दी से लीजिए स्क्रीन शॉट फिर आगे चलते हैं. Now third type of the parabola is x square is equal to 4ay. ठीक है. Third type is x square is equal to 4ay. ये जो पैराबोला बनता है ये अपवर्ड डायरेक्शन में होता है. ये बात आप याद रखिए. जैसे कि y square is equal to 4ax वो ओपन हुआ था राइट साइड में. y square is equal to minus 4ax वो ओपन हुआ था लेफ्ट साइड में. तो इस तरह से ही x square is equal to 4ay ओपन होगा अपवर्ड डायरेक्शन में. इन थर्ड टाइप x square is equal to 4ay में जो पैराबोला ओपन होगा वो ऊपर की तरफ ओपन होगा इन अपवर्ड डायरेक्शन लाइक दिस. ठीक है. तो इस तरह से ये पैराबोला अपवर्ड डायरेक्शन में ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा. ठीक है. इस तरह से. और इसकी जो दोनों आर्म्स होती हैं वो आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी. इस बात को आप ध्यान रखें. ठीक है. सो दिस इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay टाइप. क्योंकि यह पॉजिटिव है इसलिए पॉजिटिव वे में ऊपर की तरफ ओपन हो जाता है. अब इसका जो फोकस होगा इसका जो एक्सिस होगा एक्सिस हो जाएगा फिलहाल ये वाई एक्सिस और इसका फोकस होगा वाई एक्सिस पर और इसके कोऑर्डिनेट होंगे 0, a. ठीक. इस वर्टेक्स से जितना दूर फोकस होता है उतना ही नीचे की तरफ इन डाउनवर्ड डायरेक्शन ऑन द वाई एक्सिस हो जाएगी डायरेक्ट्रिक्स. सो दिस इज अ डायरेक्ट्रिक्स एंड द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स विल बी वाई इक्वल्स टू माइनस ए. y equals to minus a is the equation of dielectric. Clear? So इस तरह से आप इसको draw करेंगे. जल्दी से screenshot लीजिए फिर मुझे आगे चलना है. चलिए अब चलता हूं last type. x square is equal to minus 4ay. So x square is equals to minus 4ay. इसमें क्या होगा ये पैराबोला ओपन हो जाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लाइक दिस. इस तरह से ये पैराबोला डाउनवर्ड डायरेक्शन में नीचे की तरफ ओपन हो जाएगा. सो इसका फोकस लाई करेगा वाई एक्सिस पर and the coordinate of focus will be 0 minus a. रही बात लेटस वेक्टर की तो लेटस वेक्टर की लेंथ सभी पैराबोला में सेम होती है 4a. यह बात आप याद रखें. लेटस वेक्टर इज अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू एक्सिस बट पासिस थ्रू फ्रॉम द फोकस. ठीक है. एंड लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इन ऑल फोर टाइप्स विल बी सेम 4a. यह बात आप याद रखते हैं. लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम नेवर चेंज एंड इट विल बी ऑलवेज 4a. ठीक है. इस वर्टेक्स से जितना दूर फोकस है उतना ही पीछे आप जब चलेंगे तो आपको मिलेगा एक फिक्स लाइन विच which will be directrix. Equation of directrix will be in this case y equals to a. ठीक है. So इस तरह से आप
इन फोर टाइप्स को याद रखेंगे। अब इन फोर टाइप्स को हम एक साथ एक ही टेबल में कैसे लिखते हैं जरा वो देखिए आप, जल्दी से लीजिए स्क्रीनशॉट फिर आगे चलते हैं। इसको बोलते हैं कंपैरिजन टेबल। तो राइट डाउन द नेक्स्ट हेडिंग विच इज कंपैरिजन टेबल ऑफ फोर टाइप्स ऑफ पैराबोला। ठीक है चलिए, तो सबसे पहले आएगा इक्वेशन ऑफ पैराबोला, उसके बाद आएगा एक्सिस, उसके बाद आएगा लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, उसके बाद आएगा फोकस मीन्स कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस, उसके बाद आएगा इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है तो चलिए फटाफट ये हम भी डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन इज वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू फोर ए एक्स। फर्स्ट टाइप ऑफ पैराबोला इज वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू फोर ए एक्स। इसका एक्सिस कहां होता है, एक्स एक्सिस पर। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम विल बी ऑलवेज फोर ए, फोकस विल बी ऑन एक्स एक्सिस। ध्यान रहे जिधर एक्सिस होता है उस एक्सिस पर ही इनका फोकस होता है, एंड फोकस इन दिस केस विल बी ए कॉमा जीरो। नेक्स्ट इज इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इट विल बी एक्स इक्वल्स टू माइनस ए। क्लियर। और यदि हम बात करें इस पिक्चर की तो इसकी पिक्चर कैसे बनेगी उसको भी बना सकते हैं इधर, उसमें इस कॉरेस्पॉन्ड छोटा कर रहा हूं कॉलम को एक्स इक्वल्स टू माइनस ए। इसकी पिक्चर कैसे बनेगी, पिक्चर बनेगी कुछ इस तरह से, ठीक है ये हो गया वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू फोर ए एक्स पैराबोला, ये हो गया यहां पे फोकस ए कॉमा जीरो, इधर हो गया डायरेक्ट्रिक्स एक्स इक्वल्स टू माइनस ए, दिस इज डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है तो इस तरह से हम इसकी एक पिक्चर क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइप इज वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस फोर एक्स। इसका एक्सिस किधर होगा, एक्स एक्सिस पर ही होगा, क्योंकि इसकी पिक्चर कैसे बनती है, इसकी पिक्चर बनती है कुछ इस तरह से और पीछे की तरफ होता है इसका डायरेक्ट्रिक्स जिसको बोलते हैं एक्स इक्वल्स टू ए। फोकस एक्स एक्सिस पर होगा बट उसको बोलेंगे हम माइनस ए कॉमा जीरो। सो लेंथ ऑफ ग्रेटेस्ट रेक्टम विल बी फोर ए, फोकस विल बी माइनस ए कॉमा जीरो, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इट विल बी एक्स इक्वल्स टू ए। तो इस तरह से आप याद रखें। ठीक है सो दो टाइप पूरे हो चुके हैं, जल्दी को आप नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट, इसके बाद डिस्कस करना है फिर मुझे थर्ड टाइप।
Third type is x square is equals to 4ay, and fourth type is x square is equals to minus 4ay. First of all, x is of both parabola, it will be on y axis. Next topic is lattice rectum. Length of lattice rectum in the all cases will be constant, means 4a. After this, focus of this parabola will be on y axis, and that will be 0a, क्योंकि ये ओपन होगा अपवर्ड डायरेक्शन में, तो जिधर की तरफ ओपन होता है पैराबोला उधर की तरफ ही उसका फोकस होता है, ठीक है। जिस साइड में पैराबोला ओपन होता है उस साइड में ही उसका फोकस होता है, सो फोकस विल बी ऑन दैट साइड विच इज द ओपन साइड ऑफ द पैराबोला। पैराबोला जिधर की तरफ ओपन होता है उधर की तरफ ही उसका फोकस होता है, सो फोकस ऑफ दिस पैराबोला विल बी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, so focus will be 0 minus a, and the picture of both parabola will be like this. It will be focus 0a, ठीक है। इस पैराबोला की पिक्चर वैसे बनती है, ठीक है, ये ऊपर की तरफ ओपन होता है और ये पैराबोला नीचे की तरफ ओपन होता है, ठीक है, लाइक दिस। ठीक है, इसके वर्टेक्स से जितना दूर नीचे की तरफ फोकस होगा उतना ही दूर उस वर्टेक्स से ऊपर की तरफ होता है डायरेक्ट्रिक्स, and the equation of directrix will be y equals to a, this is focus which will be 0 minus a, so this is that four type of the parabola. So equation of directrix in this case y equals to minus a, and in this case y equals to a. So in this way you can prepare in your notebook this comparison table of regarding four types of the parabola. Clear hai? Theek hai, jaldi jaldi screenshot pe ek question leta hu main. एक क्वेश्चन कैसे मिलेगा आपको, क्वेश्चन ऐसे मिलेगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16y, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 25y, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस x, इस तरह से आप क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। और उन क्वेश्चंस में आपसे पूछेंगे वो फाइंड द फोकस, फाइंड द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, फाइंड द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, फाइंड द वर्टेक्स, ये सब पूछेंगे। तो सबसे पहले आप उसकी कंपेयर कर दीजिए जिस तरह से पैराबोला लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पॉजिटिव में है तो उसकी कंपेयर कीजिए आप 4ay से, ये निगेटिव में है उसकी कंपेयर कीजिए माइनस 4ay से, मतलब जो पैराबोला जिस तरह से है, क्योंकि यहां पे x स्क्वायर है तो मैंने उससे कंपेयर कर दी इसकी, यहां पे y स्क्वायर है इधर पॉजिटिव है तो कंपेयर करेंगे इसकी y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax से, और यहां पे करेंगे y स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 4ax से। कंपेयर करने का पर्पज क्या है, जिससे हमें a मिल जाए। यहां 4a की वैल्यू आ रही है 16, तो a की वैल्यू हो गई 4, ठीक है, तो फोकस हो जाएगा इस केस में
फोकस कहां पे होता है? ऊपर की तरफ ओपन होता है ये पैराबोला। फोकस कहां होता है इसका? जीरो ए होता है, ठीक है। तो जीरो फोर तो हो गया फोकस। इसके बाद डायरेक्ट्रिक्स वो हो जाएगी एक्स इक्वल्स टू सॉरी वाई इक्वल्स टू माइनस ए, सो वाई इक्वल्स टू माइनस फोर। उसके बाद में रही बात लेंथ की, लेंथ ऑफ लेटर सेक्शन वो होती है 4a, इट मींस 4 × 4 मींस 16 हो गई उसकी लेंथ। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन करते हैं जो आप भी करेंगे। यहां पे माइनस 4a की वैल्यू 25 हो जाएगी, माइनस में माइनस से काट देंगे माइनस, तो a हो गया 25/4। तो इस केस में जो फोकस होगा वो किधर होगा? वो नीचे की तरफ होगा, इट मींस 0 - a, तो लिख देंगे 0 - 25/4, ठीक है। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को करेंगे। यहां 4a 2 हो गया तो a आ जाएगा हाफ, तो फोकस हो जाएगा, इस केस में फोकस होता है 1, 0, सो फोकस हो जाएगा 1/2, 0, ठीक है भाई। यहां माइनस 4a हो जाएगा -1, सो a आ जाएगा 1/4, सो फोकस हो जाएगा -a, 0, सो -1/4, 0। सो इन दिस वे यू कैन कैलकुलेट इजली फोकस, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम एंड डायरेक्ट्रिक्स ऑल्सो। इस तरह से आप उनके रिगार्डिंग एनी डाटा फाइंड कर सकते हैं। सो एक्सरसाइज आपको आज करनी है। इफ यू हैव एनी क्वेरी एनी डाउट देन प्लीज शेयर योर प्रॉब्लम विद मी, ठीक है।